हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जितिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी लास्ट वीडियो में, और उसमें हमने क्या किया था, सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। अब यहां पे हमने देखा था जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी इक्वेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, टू वेरिएबल्स, सो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पे हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि भाई जो इसके सॉल्यूशन होते हैं किसके, टू वेरिएबल्स के इक्वेशन के, उसके कितने होते हैं, वो कितने होते हैं हमने देखा था, वो होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके सॉल्यूशन अनगिनत हैं, हम नहीं बता सकते कि एक है, दो है, तीन है या कितने हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें सॉल्यूशन हमने इस लास्ट वीडियो में देखा था, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और उससे पहले क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते आएंगे, हम वो देखते। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल 6। अब उसने बोला है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखिए यहां से मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे दोस्तों, कितने होंगे, तो यहां हम बोल लेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट हम बता नहीं सकते एक है, दो है, कितने हैं। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 4 सॉल्यूशन निकालने, 4 वो भी कौन से, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने। अब देखिए आपसे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस पूछे, इसका मतलब क्या है। अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास कितने वेरिएबल है, यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, देखिए हमने देखा था लास्ट में, मैंने लिख दिया 1/1, 1.2 ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, किसका है भाई, किसी ना किसी इक्वेशन का है। इसका मतलब क्या है, ये 1 है वो किसकी वैल्यू, वो x की वैल्यू है, और जो नेक्स्ट है वो किसकी वैल्यू है, y की। यदि हम इन दोनों को देखते हैं तो अब यहां पे हम देखते हैं भाई यहां पे हमारी वैल्यू निकली है, अब ये हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे भाई पहले हम x की वैल्यू, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी किया था कि हमने इस तरीके से टेबल बनाई थी। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस हैं तो ऐसे इस तरीके से यहां पे x लिखा था, यहां पे y लिखा था, हम क्या करते थे भाई x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकल जाती है, y की करते हैं तो हमारी क्या निकल जाती है, x की निकल जाती है। तो अब यहां पे देखेंगे इक्वेशन, अब देखिए फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, कौन सी गिवन इक्वेशन है हमारी, वो हमारी x प्लस 2y इक्वल 6। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एट हम देखिए x इक्वल रखेंगे, एट x इक्वल 0। अब यहां पे आपने देख लिया कि भाई x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहां पे आपकी किसकी वैल्यू पता लगेगी दोस्तों, यहां पे आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। कैसे, जहां पे भी x आपने 0 पुट किया, प्लस 2y इक्वल 6, देन 2y इक्वल क्या होगा, देखिए 0 किसी भी चीज में 0 ऐड होता है तो क्या होता है, सेम इक्वेशन आती है, इक्वल 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 3। तो यहां पे हम 0 को मत 3 लिखते, 0 और 3 लिखते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन निकला वो है 0, 3। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं ऐसे, हमको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन की कौन सा है, 0, 3, भाई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हमको दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों कि भाई हम x की वैल्यू कुछ भी रखें। अब देखते हैं कि भाई एट कहां, अब देखिए यहां पे हमने x की वैल्यू ली, हम यहां लेते हैं एट y इक्वल 1। अब यहां पे y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम यहां देखेंगे भाई x की वैल्यू कितने निकलेगी, कैसे। अब देखिए जहां पे भी y है वहां पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, इक्वल कितना हुआ, 6, तो x प्लस 2 इक्वल 6, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 6 - 2 4। तो आपने देखा कि भाई एक और सोल्यूशन कौन सा निकल गया। अब देखिए यहां पे हम देखिए गलती क्या होगी, यदि हम यहां पे लिखते हैं कि भाई 1, 4,
ठीक है। लेकिन अब देखिए 1,4 का मतलब क्या हुआ कि भाई x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 4। बट यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल इसका रिवर्स है। तो आपको हमेशा जब भी हम वैल्यू लिखते हैं, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और फिर उसके बाद y की रखते हैं। ठीक है, अब हमारे दो सॉल्यूशन निकल चुके हैं। अब देखिए सेकंड वन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सेकंड निकल गया, थर्ड निकाल लेंगे। अब देखेंगे मैं लिखता हूं एट वाई इक्वल माइनस वन। अब देखिए यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों कि हम प्लस की वैल्यू लें, हम माइनस की भी ले सकते हैं। ठीक है, हम बाई फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। अब देखिए एट वाई ली हमने माइनस वन, अब देखिये ये यहां पर हमने लिख दी माइनस वन। अब क्या है वाई की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन रख देंगे। टू माइनस वन इक्वल कितना है आपके सामने सिक्स, एक्स माइनस टू इक्वल सिक्स, देन एक्स की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई एट। तो यहां पे क्या हो गया, एक हमारा जो थर्ड वन सॉल्यूशन है वो कितना हो गया एट कोमा माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एक सॉल्यूशन और निकालना, अब एक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहां रखते हैं एट एक्स इक्वल माइनस टू ले लेंगे। अब हमारी मर्जी है कोई भी नंबर दे सकते हैं, जीरो वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब हमने क्या किया एक्स की वैल्यू कितनी ली दोस्तों माइनस टू। अब यहां पे भी एक्स है वहां पे माइनस टू रखेंगे, टू वाई इक्वल सिक्स, देन टू वाई इक्वल कितना हो जाएगा एट और वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने फोर। तो यहां पे हमने देखा एक सोल्यूशन और कितना निकला माइनस टू और ये कितना हो गया फोर। तो यहां पे क्या हो गया हम लिखेंगे टू कोमा फोर। ठीक है, अब देखिए फोर निकालने कितने निकाल सकते हैं दोस्तों, कितने निकलेंगे भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, उसमें से हमको कितने पूछे हैं, हमसे पूछे हैं भाई इसने फोर सॉल्यूशंस। तो यहां पे लिखेंगे हेंस द फोर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल सिक्स आर, ऐसे लिख देंगे हम इसको ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हेजिटेशन करनी नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं आपको। ठीक है, अब हम क्या है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और फिर हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वन नेक्स्ट एग्जांपल कितना है, कौन सा एग्जांपल नंबर फोर, उसने बोला है फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए आपके सामने इक्वेशंस है, थ्री इक्वेशंस दी हुई है उसमें, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल ट्वेल्व। ठीक है, सेकेंड वन है आपका टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल जीरो, एंड हमारा लास्ट वन है कि भाई 3x प्लस सॉरी 3y, ठीक है 3y प्लस 4 इक्वल जीरो। अब देखिए उसने क्या पूछा है फाइंड टू सॉल्यूशंस। अब देखिए लास्ट वन क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था दोस्तों, फोर डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल लिए थे। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, टू सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है। अब देखिए क्या है, बिल्कुल देखेंगे आंसर, ये तो बहुत इजी है, यदि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब देखेंगे। अब यहां पे कितने निकालने हैं भाई, निकालने हैं हम टू सॉल्यूशंस, क्या निकालने हैं टू सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब देखिए वैसे यदि मैं आपसे देखिए बार बार एक चीज बोल रहा हूं दोस्तों कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, यहां पे निकलेंगे कि इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन बता नहीं सकते कितने सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हम फिर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है कितने निकालने हैं हमको, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, यहां पे हम एक्स लिखेंगे यहां पे वाई लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या हो गया, अब बिल्कुल इजी है कैसे निकालेंगे, क्या है भाई हम यहां पे पुट करेंगे एट एक्स इक्वल वन, हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें हम वन से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमने वन रखते हैं तो वाई की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब देखिए फोर वन प्लस थ्री वाई इक्वल कितना हुआ ट्वेल्व, देखिए 4 प्लस 3y इक्वल 12, देन 3y इक्वल यहां पे देखेंगे 4 पॉजिटिव है, यहां पे जाते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 8/3, तो हम यहां लिख देंगे 8/3। देखिए हाँ, अब यहां पे देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि हमने एक्स की वैल्यू, हमने एक परफेक्ट नंबर लिया है तो हमारा वाई की वैल्यू, जो हमारी वाई की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो भी एक परफेक्ट नंबर होगा, नहीं। अब देखिए हमने एक्स की वैल्यू वन ली है तो यहां पे आपने देखा वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 8/3। अब देखते हैं फर्स्ट वन सोल्यूशन ही हो गया, सेकेंड वन क्या निकालेंगे भाई, हम एट वाई इक्वल जीरो रख लेते हैं, वाई की वैल्यू यदि हम जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस जीरो इक्वल ट्वेल्व, यहां से आप इजीली देख सकते हैं भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने थ्री,
तो यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ पे कितना हो गया थ्री, हमको दो ही निकालने थे, हमने दो निकाल दिए, तो हम लिखेंगे हैंस द टू सॉल्यूशंस ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल 12 आर, कितना लिखेंगे 1.8/3 एंड 3.0। ठीक है, ऐसे ही सेम हम देखेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अब हम यहाँ जरूर देखेंगे। देखिए यदि हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ डिफरेंट दिखता है आपको? भाई हम देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो कोई एक नंबर है जैसे 12 है, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जीरो है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? सेम वही करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हमेशा कोई परफेक्ट नंबर ही होगा, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे फिर टू सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर हम वो टेबल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, हमने देखा भाई टू सॉल्यूशंस निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y, अब क्या करेंगे एट x इक्वल जीरो, हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो क्या हुआ भाई 20 प्लस 5y इक्वल जीरो, देन 0 प्लस 5y इक्वल जीरो, तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है देखिए यहाँ पे कि भाई x की वैल्यू हमने जीरो पुट की तो y की वैल्यू जीरो आ गई, क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आपने जीरो पुट किया तो जीरो भी आ सकता है, वन पुट किया तो हमारे इक्वेशन में वन भी आ सकता है सॉल्यूशन में, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे एट एक्स इक्वल, यहाँ पे हम टू पुट करते हैं दोस्तों एक्स की वैल्यू, तो टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 5y इक्वल जीरो, 4 प्लस 5y इक्वल जीरो, देन 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4, आपको y की वैल्यू निकालनी है माइनस 4/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू हमने देखा भाई 2 पुट की है दोस्तों बिल्कुल, और y की वैल्यू कितनी निकलगी माइनस 4/5, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे हमने दो डिफरेंट सोल्यूशन कैसे निकाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई यहाँ पे तो सर एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल वो क्या है y, तो इसकी हम कैसे निकाल लें, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी भाई यहाँ पे तो टू वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, बट इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमने देखा था कि भाई जो वन वेरिएबल है ठीक है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं दोस्तों, उसका केवल एक ही सोल्यूशन होता है, कैसे? अब हम यहां देखेंगे 3y इक्वल माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4/3, ठीक है, हाँ भाई हमारा निकल गया। अब लेकिन क्या है, अब हमसे तो पूछा ये गया है ना दोस्तों कि भाई टू डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं, तो हम टू डिफरेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, चलिए हम इसको रख करते हैं, हम देखिए दो सॉल्यूशन निकालने हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या कैसे निकलेगा, अब यहां पे हम देखेंगे 3y + 4 = 0, 3y + 4 = 0, अब देखिए यहां पे हमको टू सॉल्यूशन निकालने, तो हम क्या लिखेंगे एट एक्स वाई इक्वल जीरो, एक तो यहां से निकल जाएगा एट वाई इक्वल माइनस 1, एक यहां से निकल जाएगा, हम ऐसे कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप निकाल लेंगे, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कौन सी हमारी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है, इसमें दिया है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई, उसने बोला है कि भाई हमारा जो भी एक इक्वेशन दी गई है आपको उसमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, और ठीक है तो क्यों है, आपको दिया गया है वाई इक्वल 3x + 5, उसने बोला हैंस। अब आपके सामने थ्री ऑप्शंस हैं, एक तो है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक हमारा सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशंस, ठीक है, एक हमारा थर्ड वन है कि भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखेंगे, अब देखिए क्या है आपके सामने एक इक्वेशन दी और इससे आपको पूछा है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, ठीक है, अब देखिए रीजन भी पूछा है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये इक्वेशन हम देखते हैं भाई, हमें इसी इक्वेशन देखते हैं आपके माइंड में क्या आया, भाई मेरे मन में तो ये आया कि इसमें तो दो वेरिएबल है, एक तो वाई है और एक एक्स है,
ठीक है, तो हमने देखा कि ये तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक बार देखिए हम डिस्कस करते हैं, जब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए क्या यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, अब देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे जीरो है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, जीरो लाएंगे, कैसे इसको हमें राइट हैंड साइड जो है उसको क्या ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो y माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन देखिए क्या है टू वेरिएबल्स में तो होगी बट यहाँ पे तो ए एक्स है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्या देखा था कि भाई ए बी सी की वैल्यूज निकालनी थी, तो हम इसको क्या करते थे, इस इक्वेशन को क्या करते थे, रीअरेंज करते थे, पहले हमारा क्या आएगा माइनस थ्री एक्स, फिर वाई आएगा, फिर माइनस वाई इक्वल जीरो, दिस इज आवर इक्वेशन। अब देखिए हमको क्या बताना है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब देखिए क्या है, देखिए मैं आपसे पूछता हूं तो आप एक मिनट से पहले बताएंगे सर इसका आंसर तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बट कैसे इसका, क्योंकि उसने बोला है कि वाई रीजन देना है, अब देखिए क्या हम देखते हैं कैसा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मींस केवल एक ही सॉल्यूशन, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, मान लो हम वन पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी, तो देखेंगे भाई यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता बिल्कुल, देखिए ओनली टू सॉल्यूशन हो सकता है भाई, टू सॉल्यूशन क्या भाई, एक्स की वैल्यू हम थ्री पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, सर बिल्कुल आएगी, ठीक है, तो कहने का मतलब भाई ये टू सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होंगे कि भाई हम कितनी भी आगे कितने भी वैल्यूज पुट करें इसके सॉल्यूशंस निकलते ही जाएंगे, कहीं पे स्टॉप नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए रीजन क्या देना है, आपको रीजन देना है हैंस, देखिए ध्यान से क्या लिखना है, हैंस वाई इक्वल थ्री एक्स प्लस फाइव हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ओके दिस इज योर आंसर, बट व्हाई लिखेंगे, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फिर हम करके दिखाएंगे ये कि हमने x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू माइनस टू x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंड सो ऑन, तो देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या करेंगे, हाँ सर आप बार बार बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू है कि भाई राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको कितने निकालने हैं, फोर सॉल्यूशंस निकालने हैं, सर ये तो हमने एग्जांपल किया है, फिर भी हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 2x plus y equals 7, इसका हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, एंड थर्ड वन पार्ट है कि x इक्वल 4y, ठीक है, अब देखिए यदि हम इन तीनों को देखते हैं, यदि हम तीनों इक्वेशंस को देखते हैं तो क्या डिफरेंस है आपका, अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो तीनों इक्वेशन दी गई है तो क्या निकालना है, सेकंड वन क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, फोर सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, अब देखिए तीनों और थर्ड तीनों इक्वेशन देखेंगे तो भाई यहाँ पे भी एक दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, अब क्या काम करेंगे, फोर सॉल्यूशंस निकालने तो हम एक टेबल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे y, अब देखते क्या है, एट लिखेंगे फर्स्ट वन सॉल्यूशन क्या होगा, एट x इक्वल जीरो, यदि हम x की वैल्यू जीरो करते हैं तो टू जीरो प्लस y इक्वल 7, देन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 7, तो यहां हमने देखा ये जीरो ये 7, ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड वन क्या करते हैं, एट y इक्वल जीरो, यदि हम y की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो 2x प्लस 0 इक्वल 7, देन 2x इक्वल 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 बाई 2 आ गई, तो हम यहां लिखेंगे कि x y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 7 बाई 2, सर हम इस तरीके से हम ये सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें हम निकाल लेंगे, आपको क्या करना है, ये दो जो दो सॉल्यूशंस और बाकी हैं आपके वो आपको क्या करना है,
ये आपको आपके लिए होमवर्क है कि आप करके दिखाएंगे कि सर ये दो सॉल्यूशंस हैं, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे हमने देखा कि सर ये तो पाई आ गया, बट क्या है? मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे, कहना क्या चाहता है, क्या है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने हम तुम सॉल्यूशन निकाल लेंगे भाई, यदि वो पाई की टर्म्स में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल, हमें इसकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट वन सॉल्यूशन निकालते हैं, तो पाई जीरो प्लस वाई इक्वल नाइन, तो जीरो प्लस वाई इक्वल नाइन, तो यहाँ पे आपने देखा वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, नाइन। तो यहाँ हमने देखा जो फर्स्ट वन सॉल्यूशन हुआ जीरो को हुआ नाइन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम सेकेंड वन सॉल्यूशन निकालते हैं, हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल वन, हम भाई एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, तो यहां पे देखा पाई वन प्लस वाई इक्वल नाइन। तो देखिए पाई की वन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, प्लस वाई इक्वल नाइन, देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, नाइन माइनस पाई। देखिए सर क्या ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है हमारी? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हम यहां लिखेंगे वन कोमा नाइन माइनस पाई। अब सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमको, क्या अजीब लग रहा है सर, ये पाई के टर्म्स में आ गया, क्या हो गया भाई? जब तक हमको इसमें ये तो नहीं बोला है ना कि पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस, तो हम इसको यहां पे स्टॉप कर देंगे। मतलब ये चीज नहीं है दोस्तों कि भाई हमारा पाई आ गया तो गलत हो गया। देखिए हम इसको और करते हैं, थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, एट वाई इक्वल वन, हम अब की बार एक्स की जगह वाई को वन रखते हैं। ठीक है, हमने देखा भाई पाई एक्स प्लस वन इक्वल नाइन, तो पाई एक्स इक्वल एट हो गया। अब देखिए क्या है, अब मैं इसको आगे यहां पे लिखता हूं। अब देखिए क्या है भाई, हमारे सामने आया है पाई एक्स इक्वल एट। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, एक्स की। एक्स की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये देखेंगे, अब ये तो भाई मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक्स ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू, इसका मतलब यहां पर एक्स आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पाई है, हमने देखा पाई है, ये पाई किस चीज का है दोस्तों, मल्टीप्लाई का। यदि हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में इक्वल टू के साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो किस चीज का हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड का, देन दिस इज 8 बाई पाई, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन निकल गया दोस्तों कि भाई एक्स की वैल्यू तो होगी 8 बाई पाई और वाई की वैल्यू कितनी है, हमने पुट की थी 1। ठीक है, समझ में आया। देखिए हम इसका फोर्थ वन और निकालते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए कंफ्यूज क्या कर रहा है आपको, वो पाई देके कंफ्यूज कर रहा है, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जो है हम उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एट वाई इक्वल माइनस वन। अब हमने क्या किया दोस्तों, वाई की वैल्यू है ना माइनस वन पुट की है, तो क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू कुछ निकालनी, पाई एक्स प्लस वन सॉरी माइनस वन पुट करनी है, तो माइनस वन इक्वल कितना है, नाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे भाई पाई एक्स प्लस माइनस होता है इक्वल नाइन, देन पाई एक्स इक्वल कितना हो गया आपके सामने, टेन। अब देखिए सर ये तो दोनों डिटो सिचुएशन एक जैसी आ गई, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज टेन बाई पाई। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टेन बाई पाई, और वाई की वैल्यू कितनी है आपके सामने। तो देखिए हमने फोर सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, ऐसे कितने निकाल सकते हैं दोस्तों, सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बट कुछ से कितने, हमसे फोर सॉल्यूशन निकाले, हमने फोर सॉल्यूशंस निकाल दिए। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि भाई ये पाई है, और देखिए पाई से कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि भाई पाई आ गई तो क्या है, हम उसको एज इट इज लिख देंगे जब तक उसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वन पार्ट है, एक्स थर्ड पार्ट है एक्स इक्वल फोर वाई, क्या है एक्स इक्वल फोर वाई, इसका क्या निकालना है, इसके फोर सॉल्यूशन निकालने हैं, एक्स इक्वल फोर वाई। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब यहां पे हमने देखा एक्स इक्वल है, इसको माइनस यहां लेके आएंगे, फोर वाई इक्वल जीरो, सर इसके तो हम निकाल देंगे कैसे, हम भाई टेबल बना देंगे,
ठीक है, फोर सोल्यूशन एक्स वाई, कैसे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, वाई की आ जाएगी, तो सब सिंपल है, हम निकाल देंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए इसका क्या है, थर्ड वन पार्ट है, क्या है, सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर एंड विच आर नॉट। अब क्या है देखिए, अब हमसे इसका बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, अब की बार हमसे सॉल्यूशंस दिए गए हैं और वो चेक करने हैं कि वो इस इक्वेशन के है या नहीं। x माइनस टू वाई इक्वल क्या है, फोर, दिस इज थर्ड वन क्वेश्चन। अब देखिए मैं कुछ सॉल्यूशंस लिखता हूं, उसने दिया फर्स्ट वन जीरो कोमा टू, सेकेंड पार्ट दिया है फोर कोमा जीरो, कोई भी पार्ट हम रैंडमली उठा रहे हैं, ठीक है, एक फोर्थ वन पार्ट है जो कि रूट टू कोमा फोर रूट टू। अब देखिए सर ये कहना क्या चाहता है, अब देखिए कहना क्या चाहता है, आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अब ये इक्वेशन है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है जीरो कोमा टू इज, जीरो कोमा टू इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, वाई की वैल्यू टू पुट करते हैं, तो ये इसके इक्वल आता है नहीं आता है, देखते हैं फर्स्ट वन पार्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन आंसर निकालते हैं इसका, कैसे x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू, अब आपको पता है सर, हाँ भाई ये x की है ये y की वैल्यू है, मीन जहां पे भी आपके इक्वेशन में x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो, ठीक है, माइनस टू, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू टू है, यहां पे पुट करेंगे इक्वल फोर, मीन्स माइनस फोर इक्वल फोर। क्या ये दोनों इक्वल है दोस्तों, नहीं, यहां तो देखेंगे हम सर माइनस फोर फोर के इक्वल तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस फोर इज नॉट इक्वल फोर, तो लिखेंगे हैंस जीरो कोमा टू इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ किस, किसका, दिस इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर, ठीक है। ऐसे हमको फोर कोमा जीरो करना है, देखते हैं सेकंड पार्ट जल्दी से, ठीक है, एक्स की जगह फोर माइनस जीरो इक्वल फोर, यहां पे आपने देखा फोर माइनस जीरो इक्वल फोर, तो फोर कोमा फोर, यहां पे हमने देखा ये सोल्यूशन नहीं था भाई, ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब देखते हैं वन कोमा वन करते हैं, थर्ड वन सोल्यूशन, थर्ड वन पार्ट, तो वन माइनस टू वन इक्वल फोर, तो वन माइनस टू इक्वल फोर माइनस वन इज, क्या इसके इक्वल है, नहीं, तो यहां बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल, माइनस वन इज नॉट इक्वल फोर, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हैंस जीरो कोमा, हैंस लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं सो, ठीक है, सो वन कोमा माइनस वन इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या है आपका, लास्ट वन फोर्थ वन पार्ट क्या है, क्या है, अब देखिए, हाँ सर अभी तक तो नंबर्स आ रहे थे, ठीक है, तो हम इसको इजीली कर रहे थे, बट क्या है, क्या मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, घबराना नहीं है, जहां पे हमको ऐसा लग जाता है भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्या है हमारा माइंड सेट कर लेता है कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, तो वो कभी होगा ही नहीं, एटलीस्ट हम इसको ट्राई तो करेंगे, क्या होगा, ट्राई क्या करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब यहां पे देखा आपने x माइनस टू वाई इक्वल फोर, दिस इज आवर इक्वेशन, तो आपको क्या देखा कि भाई रूट टू और फोर रूट टू आपको बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो ध्यान से देखेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे, भाई रूट टू पुट कर देंगे, माइनस टू फोर रूट टू पुट कर देंगे इक्वल फोर, ठीक है। अब हमने देखा रूट टू माइनस टू फोर जा एट रूट टू इक्वल फोर, देखिए माइनस है ये वन है ये एट है, तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन रूट टू इक्वल फोर, इज दिस इक्वल दिस, नहीं, तो हम लिखेंगे हैं सो रूट टू कोमा फोर रूट टू इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये सॉल्यूशन हम कैसे निकाल लेंगे, यदि आपको देखिए क्या है, यदि देखिए ये इससे एक इक्वेशन देखिए आपको दो क्वेश्चन पूछता है, क्या है फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड टू सॉल्यूशंस थ्री सॉल्यूशंस या फोर सॉल्यूशंस, वो उसकी मर्जी है। सेकेंड क्या पूछता आपको सॉल्यूशन दे देगा जैसे टू कोमा वन, अब वो पूछेगा इज टू कोमा वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो आपने देखा, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है और वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, कैसे, इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल वन, तो क्या है इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी तो देगा ना दोस्तों, वो क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल के। अब देखिए
सर ये क्वेश्चन आया आते ही हमने इसको देखा तो क्या प्रॉब्लम होगी क्या है? फिर मैं वही बात बोलता हूं आपको कि घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, यदि हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। कैसे? इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ के निकालनी है दोस्तों। वैल्यू ऑफ के कब निकलेगी? यदि हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू यदि हमको पता है तो हमारा आंसर खत्म, और वो आपको गिवन दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे 2x plus 3y equal k, ठीक है। अब क्या लिखेंगे x, x की वैल्यू कितनी आपके सामने 2 और y की वैल्यू क्या है 1, यहां पे आप लिख देंगे गिवन। गिवन मींस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे डायरेक्ट 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या करेंगे 1 equal k, तो 4 plus 3 equal k, 7 equal k। मैं k की वैल्यू निकाल लेती, k की वैल्यू निकल गई। क्या निकाल ली भाई 2x की, x की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है, हम कैसे भी कैसे आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालना था, इसमें था कुछ नहीं था, ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा दोस्तों, एक्सरसाइज हमने 4.2 क्या किया कंप्लीट की है। अब देखिए जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों मैं आज अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।